बेसिकली जो हुरन की कंडीशन है जो उन्होंने पहले उन पर बात कर लेते हैं जिन्होंने कहा कि सी सेक्शन के लिए उनको प्रॉब्लम है उसके बाद से तो हुरन यू नीड टू गेट टेस्टेड विद वाइटामिन डी एंड कैल्शियम लेवल्स उसमें ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी आपकी बॉडी में काफ़ी डिफिशेंसीज आ जाती हैं जिसको केटर करने के लिए फिर हम सप्लीमेंटेशन लेते हैं ठीक है सो आपने क्या करना है सबसे पहले अपना वाइटामिन डी लेवल करवा लें अपना कैल्शियम लेवल्स करवा लें उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली आप किसी फिजिशियन के पास जाएँ या आप फिजोथेरापस्ट के पास आएँ आपने जो है वो अपनी सॉरी मुश्किल होता है

जो है बॉडी में वो एनहांस हो जाए ठीक है और दूसरा आपने सी एसी वन थाउजेंड लेनी है जितने भी आपके वाइटामिन के सप्लीमेंट्स होते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो सारे मॉर्निंग में ही इन बिटवीन ब्रेकफास्ट लें हम तो आप फार्मेसी पर जाए वहां जाकर कैल्शियम की वो ऑरेंज वाली गोली मांगे और साथ में से उनसे डी का कोई भी सप्लीमेंट आपको गोली दे दें सुबह सवेरे उन्होंने क्या खाएं आप उनकी बेटी के बारे में बताएं फिर सवाल अच्छा जो इन्होंने बात की है अनफॉर्चुनेटली कंडीशन जो होती हैं डायग्नोसिस है बोलते हैं जिसमें ये होता है कि आपका लोअर लिम में सेंसेशन बिल्कुल भी नहीं होती और ये बाई बर्थ एक कंडीशन होती है जो कि फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी की वजह से होती है ठीक है। मदर so, में is, that's, that's why, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ जी दिस इज दैट्स वाई वी आर लाइक आई एम पटिंग सो मच एम्फोसिस ऑन द न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज ऑफ आर प्रेगनेंट फीमेल बिकॉज फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी की वजह से बहुत सी ऐसी कंडीशन आती हैं जो कि आगे आने वाली जनरेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं और जब जनरेशन में कन्वर्ट होती हैं तो इस तरह के केसेज होते हैं जो कि इट्स सेल्फ एक फैमिली के लिए भी और पेरेंटिंग so, में भी बहुत डिफिकल्ट तो इसलिए बेहतर है कि जब आप कंसीव कर लेते हैं तो उसकी प्रॉपर एंटी नेटल केयर है ठीक है जिसमें आपकी डायटेशन भी आपकी न्यूट्रिशन भी इन्वॉल्व है और साथ में आपकी फिज़िकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है अब फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी की वजह से होता है स्पाइना बाइफेरा जो कि हुन ने हमें बताया भी कि उनकी बेटी इससे सफ़र कर रही है अब उसमें क्या होता है दिस इज़ लाइक like, अगेन uh, uh, इसकी ट्रीटमेंट उस तरह से आप कह लें कि नहीं uh, कुछ है फिलहाल के लिए ये के हम उनको बिल्कुल हो हैं, है, उसमें हम उसमें उस क्या कर सकते हैं लीमा उसमें बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि उनको बेड सोर्स नहीं हो उनकी हम पोजिशनिंग करवा सकते हैं ठीक है वी डोंट लेट हर टू बी इन द सेम पोजिशन फॉर लॉन्ग आवर्स ठीक है इस तरह उस बिस्तर पर मूव करते रहते हैं फॉलिक एसिड अब मतलब ऑब्वियसली फीमेल्स को फीमेल्स को लेनी चाहिए फॉलिक एसिड ठीक है ना फीमेल्स को इन एवरी एज दे नीड टू टेक फॉलिक एसिड एक अमाउंट होती है जो कि फीमेल्स को लेनी चाहिए और प्रेग्नेंट फीमेल्स को तो स्पेसिफिकली लेनी चाहिए फॉलिक